फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, दादा साहब फाल्के, इंडिया की पहली फिल्म 1913 की राजा हरिश्चंद्र। पर अगर मैं कहूँ इससे 15 साल पहले देश के दूसरे कोने पर एक बंगाली फिल्म मेकर ने उठाया था वीडियो कैमरा, तो आज के बांग्लादेश के एक रईस घर में पैदा हुए हीरालाल 1898 में कलकत्ता के स्टार थिएटर में देख रहे थे द फ्लावर ऑफ पर्शिया, जिसके इंटरवल में कुछ शॉर्ट फिल्में ऐसे प्रोजेक्ट हुई। बस फिल्मी कीड़े ने वहीं काट लिया हीरालाल को। प्ले के डायरेक्टर से ही कैमरा लेकर फ्लावर ऑफ पर्शिया को रिकॉर्ड एंड एडिट करके फिल्म बना दी। फिर पिताजी के फंड से खरीदी एक सिनेमेटोग्राफ मशीन, स्टार्टिंग इंडिया की पहली मूवी एंटरप्राइज द रॉयल बायोस्कोप कंपनी 1898 में। 1903 में अलीबाबा और 40 चोर प्ले की रिकॉर्डिंग करी, मेकिंग इट इंडिया फर्स्ट फुल लेंथ फिल्म। समझ लो देश की पहली वीडियो लाइब्रेरी बन रही थी। बट अलास बिजनेस एक्यूमेंट कम था तो नहीं चला बिजनेस। जिंदगी के एंड तक आते आते कैमराज तक बिक गए थे। ट्रेजिकली 1917 की एक आग में सारी फिल्में भी जल गई, नॉट अ सिंगल कॉपी सर्वाइव्स। कोई राइटर इस वीडियो को देख रहा है तो लिखो एक स्क्रीन प्ले।